वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए एनटीपीसी के लिए, जिसे हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। ये है हमारा पहला सवाल, ठीक है। तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करें, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें से निकालना, ये संचयी बारंबारता दिया होता है, हमें पहले बारंबारता को निकालना पड़ेगा। बारंबारता कैसे निकालते हैं, दूसरा जो है पहला का, तो पहला जो है वही हो जाएगा। दूसरा कैसे निकालते हैं हम लोग, कि दूसरे वाले से पहले वो घटा देते हैं, 11 माइनस 2 हो गया 9। तीसरे को निकालते हैं तीसरा माइनस दूसरा, ये भी 9। चौथे को निकालते हैं चौथा माइनस तीसरा, 27 माइनस 20 7। फिर पांचवें को निकालते हैं पांचवा माइनस चौथा, ये आ गया आपका 3। अब हमें निकालना है बारंबारता, ये हमारा f हो गया, ये जो भी यहाँ पर हम लोग बारंबारता निकाले हैं, ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसका समांतर माध्याय निकालना है। कैसे करते हैं हम लोग, इसको इससे गुना करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है e समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ f, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब हो गया 2 इंटू 1, क्योंकि ये 2 है पहला वाला, 9 इंटू 2 दूसरा वाला, 9 इंटू 3 या 9 इंटू 3, 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। तो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, कि पूरा फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा, तो इन सबको जोड़िएगा अगर तो आपका 30 आएगा। ये अगर सम संचय बारंबारता दिया हुआ तो आखिरी जो नंबर होगा ये आपका वही नंबर होगा, ठीक है। तो अगर जोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 90 और नीचे आ जाएगा आपका 3, तो हो गया आपका 3। समांतर माध्य कितना हो गया हमारा 3 दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, तीसरा नंबर 3.0, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। दो पासों को एक साथ फेंकने के कुल योग 5 या 3 आने की संभावना है क्या क्या है। देखिए, दो पास आए हैं मतलब एक में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 5 है, 3 कब कब आ सकता है, जब इसमें एक आए इसमें दो आए, एक बार हो गया, फिर इसमें दो आए और इसमें एक आए, ये तीन के लिए हो गया, और तो तीन कहीं से भी नहीं आएगा। अब पांच के लिए, इसमें एक इसमें चार अगर आ जाए तो ये पांच हो जाएगा, इसमें चार या एक आ जाए तो भी पांच हो जाएगा, इसमें दो इसमें तीन आ जाए तो भी पांच हो जाएगा, जोड़ना है हमें, इसमें तीन आ जाए इसमें दो आ जाए तो भी पांच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे कुल जो हमें दिया गया है कि जिसे हमें जो हमारी प्रतिक्रिया जिस जो हमें चाहिए, मतलब जो जो केस होगा वो केस हमारे इस तरीके से आ सकता है। टोटल ऐसे कितने 6 केस बन गए, जहाँ पे चाहे तो जोड़ के हमारे पास 5 या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, लेकिन कुल केस कितना होगा, कुल केस क्या होगा, पासाओं के बारे में आएगी, या हम लोग क्यूब भी बोलते हैं जो लूडो के जरिए से, अगर उसको पासाएँ के बारे में आएगी तो कुल जो प्रतिक्रिया बन सकती है इसमें होगा वो 36। 36 कैसे होगा, 6 × 6, अगर मान लीजिए एक बार एक लेते हैं हम, ये इस पहले पासा का अगर एक लेते हैं, दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 6 केस बन गए, दूसरा में भी कुछ भी आ सकता है, तीसरा में भी कुछ भी आ सकता है, चौथा में भी कुछ भी आ सकता है, पाँचवा में, सब में हो जाएगा 6 × 6 टोटल। तो जो प्रतिक्रिया हमें चाहिए, तो अभीष्ट प्रतिक्रिया जो होगी, अभीष्ट प्रतिक्रिया हमारा हो जाएगा कितना नंबर जो हमारे लिए सही है, कितना सही है, 6 नंबर जो हमारे पास वो टोटल है जो आ सकते हैं, और 36 हो गया कुल, 1/6 हो गया हमारा अभीष्ट प्रतिक्रिया, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा ये, दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे बाद जाती है, ठीक है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई, टाइम के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 बजे जाएगी, यह सूचना कब दी गई है,
तो देखिए 20 मिनट पहले अगर बात हुआ है तो वो कब, सबसे पहले वो कब जाना है, 6:30 बजे अगला बस खुलेगा, ठीक है। 6:30 में से अगर हम लोग 3.5 घंटे हटा देंगे तो ही हमारा निकलेगा कि कब इसके पहले बस कब गई थी, है ना। तो बस हमारा कब गई है, 3.5 घंटे है तो बस हमारा कब गई है, 3 बजे, 3.5 घंटे पहले, आधा घंटा गया, फिर यहाँ से 3 बजे गया। लेकिन ये भी हम 20 मिनट बाद की बात कर रहे हैं, है ना, 20 मिनट बाद की बात। तो अभी 3 बज रहा था, 3 बजे बस गई थी और 20 मिनट जान क्या बोला, 20 मिनट पहले बस चली गई। तो अभी हमको पता चल रहा है 3:20 में हमें पता चला कि सूचना देने का समय कब हो गया, 3:20। भी बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर 6:30 बजे एक बस जा रही है और 3.5 घंटे पहले एक बस जाती है तो आप देख लीजिए कितने बजे आपकी बस जाएगी, है ना। अगला सवाल हमारा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो 50 संख्याओं का अगर 38 औसत है तो कुल संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा, 50 × 38 तो गुना करेंगे हम लोग 50 × 38 तो कितना आ जाएगा हमारा, 1900, ठीक है। अब इसमें से बोला क्या गया, दो अंक को हटा दिया जाए, कौन से अंक हटा दिया जा रहा है, 45 और 55। तो हम लोग क्या करेंगे, 1900 में से 45 और 55 दोनों को हटा देंगे तो आएगा हमारा कितना, 1800, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका औसत निकालना है हमें, तो यहाँ पे दो संख्या हटा देते हैं तो पहले औसत के लिए हम 50 से भाग कर देंगे तो दो संख्या भी हट गया है, इसीलिए अगर 50 में दो संख्या हटा कितने से मिलेगी टोटल 48, तो 48 से इसे हम लोग भाग करेंगे तो भाग करेंगे तो अगर 37.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर कि औसत कितना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, और इसके ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो आंसर है वो होगा एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, नीचे गए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार से सबसे अंत में आएगा। तो देखिए दोस्तों, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर लेटर को देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे सबका सेम है, आर तो छोड़ दो, फिर आपके पास है ओ ओ ए ई, तो ए और ई तो पहले आएगा, जो भी है ओ और ओ बाद में आएगा, इन दोनों को देखना है। ओ पहला दो लेटर दोनों का खत्म हो गया तो अब देखेंगे हम लोग तीसरा लेटर कौन सा, तीसरा लेटर बी और सी है, बाद में कौन आएगा, सी की बी सी, तो लास्ट लेटर क्या हो गया हमारा, रैकेट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई, तो 1982, 1981, 1984 और 1980। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, जो भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा है वो 1984 ईस्वी में हुई। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। तो इससे एक और चीज़ बन गया हमारा क्या, कि भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, और वो था सिद्धार्थ, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है, निम्नलिखित में कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आया है। सम संख्या ही मतलब ये होता है कि सम संख्या मतलब क्या, सम संख्या मतलब ये होता है कि जो दो से कटता है। तो कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या के पहले आता है, तो जितने भी अगर आप सात देखिएगा, ठीक है, ये सात पाँच के पहले, ये सात दो के पहले, ये सात पाँच के पहले, ये सात एक के पहले, ये सात
छः के पहले, ठीक है, और ये सात आपका दो के पहले। तो हमें देखना है कितने संख्या जो है वो सम संख्या से पहले है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बस हमें सिर्फ जोड़ना है कि कितने सारे सात ऐसे हैं जो कि सम संख्या के पहले आते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ये सात जो दो सम संख्या है, फिर आपका ये वाला सात हो गया जो कि दो सम संख्या है, फिर ये वाला सात हो गया जो कि दो सम संख्या। तीन ऐसे सात हैं जो आपको सम संख्या है। और इसमें सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि एक और कंडीशन दे दिया जाएगा आपको कि सात के पहले भी जो है सम संख्या, तब अलग केस बनेगा, वो आप देखिएगा जब बनेगा। अगला सवाल है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? ठीक है, तो मटसेट, एजुसेट, चंद्रयान वन और मंगल मिशन। पहला जो था दोस्तों वो मंगल मिशन पर चंद्रयान वन था। चंद्रयान वन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह यान PSLV के संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न है जो आपके लिए मैंने पढ़ दिया है, इसे आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिली। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? मथुरा के लिए आपके सवाल है और यह आपके जवाब है। तो मथुरा कली कैसल का जो विकास हुआ था वो हुआ था कनिष्क के राज्य में, ठीक है। इस शैली के तहत बनी मूर्तियां में हिंदू, जैन तथा बौद्ध देवताओं की मूर्तियां का निर्माण किया गया। इसमें चितिधार लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब कब कब हुआ है। ये सब कोशिश अगर याद रखेंगे आप तो बहुत चांसेस है कि आपको एग्जाम्स में ये मिल जाए और आपको सॉल्व करने का मौका मिले। और याद रखिएगा तो बहुत ही फायदा होगा कोई भी एग्जाम के लिए। हालांकि NTPC के लिए ज़्यादा अच्छा है और NTPC इसके से तैयार करिएगा तो बहुत अच्छा एग्जाम दे के आइएगा। पर और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों, इससे सिर्फ आपका नहीं होगा, ये बस सीखने के लिए है कि आप इतना जाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम्स का पूरा क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको घर में भी बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, सिर्फ यूट्यूब से आप पास नहीं हो सकते। ये मैं आपको एकदम सही बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ घर पर पढ़ाई करें अच्छे से ताकि और एग्जाम निकाल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।